देखा, अब यही औकात रहेगी मेरी, मेरे इस घर में मेरे प्यार की यही औकात है। तू क्या बोलने जा रही है? सच कह रही ना बेबे, यही औकात है ना मेरी इस घर में। अगर ऐसा नहीं होता तो ये लड़की अभी तक इस घर से बाहर खड़ी होती। मेरा बेटा इसे धक्के मार कर बाहर निकाल देता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, नहीं हुआ ऐसा। जानती हो क्यों बेबे? क्योंकि अब विराट मेरा बेटा समझने लगा है कि मैं इसकी दुश्मन हूँ। मॉम ऐसा नहीं। ये कैसा दिन देखना पड़ रहा है मुझे? ये दिन देखने से पहले मुझे मौत क्यों नहीं आई? मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? मेरे प्यार में क्या कमी रहेगी? मुझे नहीं समझ नहीं आ रहा। मॉम 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 प्लीज प्लीज। मॉम आप ऐसा क्यों कह रही हैं? ऐसा नहीं है कि मुझे आपकी बात पे यकीन। तो फिर तेरा हाथ क्यों नहीं उठा इस पर? तेरी माँ पर घटिया इल्जाम लगा रही है और तू इससे सबूत की भीख मांग रहा है। क्या होगा अगर इसने अगर कोई झूठा सबूत पैदा कर दिया, किसी झूठे गवाह को सामने लाकर खड़ा कर दिया, तू यकीन करेगा इसकी बात पर? हाँ, तू मान लेगा इसकी बात? अरे बैंकर नहीं, होम ब्रेकर है ये, घर तोड़ने वाली। प्रियंका में कोई अंतर नहीं है। उस प्रियंका ने सिर्फ तुझे मुझसे अलग किया था, लेकिन ये इसने पहले दिलदार जी को मुझसे अलग किया, फिर निम्मी को, और अब तुझे भड़का रही है वो। तेरे और मेरे रिश्ते में जहर घोलने की कोशिश कर रही है। बड़े सिर्फ नाम की अमृता है, लेकिन सर से लेकर पांव तक पूरी जहर से भरी हुई है। लेकिन मैं ना इसका जहर अपने घर में फैलने नहीं दूंगी, नहीं दूंगी फैलने। मैं इसे घर से बाहर निकाल दूंगी। कविता, बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने इसे, इसे धक्के मार कर यहां से बाहर निकाल दो। जी। खबरदार, अगर मेरी भूख को किसी ने छुआ भी ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा।